गाइड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ग्लास पेंटिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कांच ले लिया है। अगर आपके पास कांच नहीं है तो आप एक्रेलिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ग्लास पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो कि फिर एक्रेलिक के 6 शेड्स आते हैं इसमें, तो इनका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इसके साथ आपको आउटलाइनर और 6 कलर के शेड्स भी मिलते हैं। तो अगर आपको इसने ख़रीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप ख़रीद भी सकते हैं। तो सबसे पहले पेंटिंग को शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे कागज़ पे पहले से ही ड्राइंग कर ली है, तो इसके ऊपर कांच को रख के उस पर हम ड्रॉ करने वाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आउटलाइन की मदद से ड्रॉ करूँगा ब्लैक। तो आप देख सकते हो वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स में दिखाया है वो सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो मैं यहाँ पे आउटलाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा आउटलाइन हो चुका है, तो अभी हम इसमें कलर करेंगे। मेरे पास सिर्फ 6 शेड्स है, तो इनमें सिर्फ 6 शेड का इस्तेमाल करूँगा। इनमें आपको 12 शेड्स का भी बॉक्स मिल जाता है। तो हम इसमें कलर करना शुरू करते हैं। कलर करते वक्त अगर आपके ड्राइंग में कहीं भी बबल्स आते हैं तो उन बबल्स को आप किसी स्टिक की मदद से फोड़ दे सकते हैं। अगर आप वैसे ही रखते तो अच्छा नहीं दिखता है। अगर आपके पास कोई कलर अवेलेबल ना हो तो आप 2 कलर को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो में दिखाया गया वैसे फास्ट मत करिए, मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है, आप स्लोली स्लोली कलर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारी ड्राइंग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ड्राइंग को पलटा देता हूँ तो ये और अच्छे से दिखेगी आपको। इसे मस्त आप घर में फ्रेम करके लगा सकते हैं। बस फिल्म खींचते वक्त ध्यान रखिएगा कि पीछे ग्राउंड नहीं, ग्राउंड में नहीं, बैकग्राउंड में आप कोई पेपर लगा सकते हैं जिससे अच्छा दिखे। मैंने यहाँ पे वाइट पेपर का इस्तेमाल किया है तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।